शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। शैलेश लोढ़ार, मैं जानता हूं कि आप प्रतीक्षारत हैं, आप इंतजार कर रहे हैं, आप बैठे हुए हैं कि मैं कब आऊं, आके कहूं लीजिए मैं आ भी गया, कह भी दिया। तो अब अपने चेहरों पे तबस्सुम चस्पा कर लीजिए, मुस्कुराहटें जिंदा कर लीजिए, ठहाकों के लिए तैयार हो जाइए। कविताएं जो होंगी, गजलें होंगी और जो कुछ होगा उसके लिए आपके घरों से एक ही आवाज आएगी, वाह भाई वाह। आवाज से वैसे याद आया, कई लोग बहुत लोगों की आवाज बंद कर देते हैं। अब आवाज बंद करने का मतलब ये नहीं कुछ खिला देते हैं कि आवाज बंद हो जाए, बोलती बंद कर देते हैं। कुछ लोग होते हैं बस स्मार्ट होते हैं, बोलती बंद कर देते हैं। लड़के हो, लड़कियां हो, कोई भी हो सकता है। जैसे एक लड़की बस में चढ़ी, इतना सारा परफ्यूम उंडेला जैसे नहा रही हो उससे, तो पीछे कोई खा था ऐसे, काफी देर तो ऐसे घूरता रहा और फिर रहा नहीं गया। तो बोला आजकल लोग फिनाइल का इस्तेमाल बहुत करने लगे हैं, आजकल बहुत फिनाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं यार है। लेकिन लड़की ने बोलती बंद कर दी। हाँ, लेकिन फिर भी कॉकरोच पीछा नहीं छोड़ते मेरा। हो जाती ना बोलती बंद। एक साहब रात को ढाबे पे रोटियां बनवाने गए, तंदूरी रोटी जरा सात आठ जल, अरे जल्दी दे जल्दी दे, अरे जल्दी दे, क्या कर रहा है यार, समय जल्दी जल्दी दे। अरे बोले भैया इतना दम था तो घर पे बीवी से ही बनवा लेते। तुरंत बोलती बंद कर दे। जैसे एक बैंक का मैनेजर एक रेस्टोरेंट में गया, आया वेटर, यस सर क्या लेंगे, क्या है भाई बताओ क्या है। सर पनीर भुर्जी है, पनीर फ्राई है, आलू मटर है, आलू पनीर है, भरवा टमाटर है सर, और साथ के अंदर मलाई कोफ्ता भी है सर, क्या लेंगे आप बताइए। अरे काम करो मटर पनीर ले आओ। अच्छा अच्छा मटर पनीर सर, मटर पनीर एक प्लेट, एक प्लेट मटर पनीर, ठीक है सर मटर पनीर। और क्या, दाल, दाल, हाँ दाल कौन सी, दाल को, दाल तड़का सर, दाल फ्राई है, दाल मिक्स है, दाल वेज है, दाल महारानी है। अच्छा दाल फ्राई, एक दाल फ्राई भी ले आओ। अरे काम करो हाफ हाफ दाल फ्राई। अच्छा सर, अच्छा अच्छा तंदूरी रोटी लेंगे, फुल्का लेंगे, पराठा लेंगे, कुलचा लेंगे, क्या लेंगे सर, या पुदीना पराठा लेंगे, लहसुनी पराठा लेंगे, क्या लेंगे जरा बताइए सर। भाई एक काम करो तंदूरी रोटी ले आओ। अच्छा सर कितनी लाऊं सर, दो लाऊं, तीन लाऊं, चार लाऊं। बैंक मैनेजर साहब बोले भाई ले आ यार, दो ले आ, दो ले आ, चल तीन ले आ, चल। अच्छा अच्छा सर, यानी कि एक मटर पनीर ले आओ, एक हाफ दाल फ्राई ले आओ, और आपके लिए तीन तंदूरी रोटी ले आओ। अच्छा सर पानी कैसा लेंगे सर, मिनरल वाटर लेंगे या मतलब नॉर्मल वाटर लेंगे सर। अरे भाई मिनरल वाटर ले, ठीक है सर एक बॉटल मिनरल, एक लाऊं दो लाऊं। अच्छा एक ले आ भाई, एक ले आ। अच्छा सर पापड़, पापड़ लेंगे सर, पापड़ सिकावा लेंगे, रोस्टेड या फ्राइड लेंगे। अरे भाई तलावा लिया, फ्राइड लिया। अच्छा अच्छा सर, तो यानी मैं आपका ऑर्डर रिपीट कर देता हूँ सर, यानी कि एक मटर पनीर है, हाफ दाल फ्राई है, एक मिनरल वाटर की बोतल है, तीन तंदूरी रोटियां हैं और पापड़ फ्राइड है, यही सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल लिया, ये तो सब खत्म हो गया सर। बैंक मैनेजर बोला तुझे शर्म नहीं आती, अगर ये सब खत्म हो गया तो बकबक क्यों कर रहा था, ग्राहक को कैसा लगता है। बोले क्यों साहब, जब हम एटीएम में जाते हैं वो हमसे पिन, अकाउंट, रिसीट, हाँ सब कुछ पूछता है, फिर कहता है नो कैश, हमें कैसा लगता होगा। बोलती बंद, एक सेकंड में बोलती बंद कर दी, यही होता है, बोलती बंद हो जाती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, सच्चा बोलते हैं, और अच्छा और सच्चा इसलिए बोलते हैं कि उनके पास कलम का हथियार है, और जिनके पास कलम का हथियार होता है उनके पास दुनिया में सब कुछ होता है। दुनिया में जितने पुनर्जागरण हुए, जितनी क्रांतियां हुई, जितने विद्रोह हुए, वो किसी तोप की वजह से, किसी बंदूक की वजह से, किसी मिसाइल की वजह से या किसी बॉम्ब की वजह से नहीं हुए, जो कुछ हुआ कलम की वजह से हुआ। और तीन कलमकार हमारे साथ बैठे हैं जिनके लिए हम कहेंगे वाह भाई वाह। और तीन में से दो ऐसे हैं जो पहली बार वाह भाई वाह के मंच पे आ रहे हैं, यानी कि वाह भाई वाह उन्हें प्रस्तुत कर रहा है देश के समक्ष, और देश की प्रतिभाओं को जब हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो हमें न केवल खुशी होती है लेकिन एक कर्तव्य बोध भी होता है, अच्छा लगता है, संतुष्टि होती है। उन्हीं में से हम दो लोगों को खोज के लेके आए, एक उज्जैन जिले में जो तराना तहसील है वहां पे
रूपाखेड़ी? रूपाखेड़ी नाम का एक गांव है जहां के हैं भरत पंड्या, वो हमारे बीच में है। प्रशांत जो बैठे हुए हैं, डॉक्टर प्रशांत सिंह, वो बनारस से हमारे बीच में आते हैं। और इधर ये पहली बार जो नव युवती आई है, इसका नाम वाणी जोशी है, ये इंदौर से हमारे बीच में आती है और ये हरदा जिले की रहने वाली है। वीणा, आप एक हाउसवाइफ हैं या कुछ साथ में काम भी करती हैं? फिलहाल तो मैं कविताएं लिखती हूँ। आपकी कविता का पहला श्रोता कौन होता है? पतिदेव। क्या क्या सहना पड़ता है पति नाम के प्राणी को, और सुन के बेचारे को वाह वाह भी करनी पड़ती है। बहुत अच्छा लिखा। वहां एक सज्जन बैठे हैं जो हाथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मैं उनसे जरा बात करना चाहता हूं। माइक दीजिए जरा इनको। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अमित जोशी है। अमित जोशी, कहाँ से आए आप? सर इंदौर, मध्य प्रदेश। इंदौर, मध्य प्रदेश। क्या करते हैं अमित आप? मैं सर बैंक में जॉब करता हूँ। आप बैंक में जॉब करते हैं? इनके पहले श्रोता हैं, हाँ? वाह, क्या बात है अमित, आप अपनी पत्नी को यहां तक लेके आए हैं, आप उनका साथ दे रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। जब कविताएं सुनते हैं तो कैसा महसूस करते हैं आप, जब वाणी की कविताएं सुनते हैं सबसे पहले? सर काफी अच्छा महसूस होता है, क्योंकि अभी जो एक कविताओं का दौर चल रहा है, हम मंचीय कविता देखते हैं तो वहां पे कुछ अलग सुनने को मिलता है, और इनकी कविता जो होती है वो काफी साहित्यिक, जो जिस जहां जो लोग छूटते जा रहे हैं, मतलब अभी कॉम्पिटिशन टाइप हो गया है कवि सम्मेलनों में, तो इनकी कविताओं में मुझे एक अलग प्रकार का साहित्य देखने को और सुनने को मिलता है। अच्छा, तो कैसा महसूस होता है आपको, गर्व होता है कि कविताएं पढ़ती हैं? जी काफ़ी गर्व हमेशा होता है, गर्व महसूस होता जी। तो इनको आगे बढ़ाने के लिए ये और कविताएं लिखें, इसके लिए क्या करते हैं आप? सर मेरा प्रयास तो ये होता है कि मैं यही बोलता हूं कि आप और जितने भी जैसे आपको सुने, आपको पढ़े और आपके से जितने पुराने कवि हुए हैं उनको आप सुनते रहें, लगातार पढ़ते रहें। बहुत अच्छा अमित, बहुत बढ़िया लगा, लेकिन आखिरी जवाब में सिर्फ एक संशोधन करना चाहूँगा। मुझे पढ़ें, मुझे सुने कोई बात नहीं, मुझे पढ़ें, मुझे सुने, क्योंकि सुन के पढ़ के कई लोग दीवाने हुए, लेकिन यार अभी तक हम नहीं पुराने हुए। पढ़िए, सुनिए जरूर, बहुत अच्छा लगा अमित कि आप वाणी को, और एक जरूर आपको बात बता, ऐसा कुछ नहीं होता कि मंचीय कविता और साहित्य कविता, कविता कविता होती है, कविता का कोई दूसरा रूप नहीं होता, जो कविता लिखी जाती है उसे सुनी जानी चाहिए, इसलिए कोई उसका अलग अलग रूप नहीं होता, साहित्यिक गैर साहित्यिक, मंचीय गैर मंचीय, हमें इन प्रश्नों में नहीं पड़ना चाहिए, हमें सिर्फ कविता के बारे में सोचना चाहिए, और कविता हमारा जीवन है, इसीलिए हम कहते हैं वाह भाई वाह। भाई बोलते हैं आगे और बुलाते हैं भरत पंड्या। चेमारू टीवी के सभी सुधी श्रोताओं को प्रणाम करता हूं। अरे यार भरत, हंसी का प्रोग्राम है, प्रणाम तो कर लो। अरे तो प्रणाम कैसे कर रहे हो यार भरत, ऐसा लग रहा था ऐसे मोहल्ले के कोई बुजुर्ग निकल लिए, उनकी शोक सभा चल रही है और मोहल्ले के नौजवान होने के नाते तुम धन्यवाद तो खड़े हो वहां पे, आप सब इनकी शोक सभा में आए इसके लिए धन्यवाद देता हूँ, बिल्कुल ऐसा लग रहा है यार, थोड़ा उत्साह से करो। हाँ, शेमारू टीवी के सभी सुधी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ और आदरणीय को विशेष प्रणाम करता हूँ जिन्होंने मुझे जमीन से उठा करके आसमान पर बिठा दिया। भरत पंड्या, जोरदार तालियों का। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। मैंने उज्जैन से यहाँ तक का सफर ट्रेन से किया। अच्छा, ट्रेन में बैठे हुए एक बुजुर्ग 70 बरस के मेरे पास बैठे हुए थे, बातचीत करते रहे, फिर उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा, बेटा तेरा नाम क्या है? मैंने कहा भरत पंड्या। बोले यार ये पंड्या काय में आते हैं? मैंने कहा पैसे वाले हो तो प्लेन में आते हैं, नहीं तो ट्रेन में ही धक्के खाते हैं। वाह,
आदरणी, मैंने मेरे बेटे से पूछ लिया, मैंने कहा बेटा तूने अपने जीवन में कोई ऐसा काम किया जिससे मेरा सर ऊंचा हो जाए? बोले हाँ पापा, कल सवेरे ही आपके सर के नीचे दो तकिए फंसाए थे। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया भारत। सर, मेरे नगर का एक लड़का दिन भर भैंसों की सेवा करता। अच्छा। उन्हें नहलाता धुलाता, हरी हरी घास खिलाता। मैंने उस लड़के से कहा बेटा तुम दिन भर इनकी सेवा करते हो, सुबह शाम एक एक ग्लास भैंस का दूध पी लिया करो, ये मेरा आशीर्वाद है कि तुम एक दिन बड़े आदमी बन जाओगे। लड़का बोला अंकल जी, यदि भैंस का दूध पीने से कोई बड़ा आदमी बनता तो इसका बछड़ा अपने जिले का कलेक्टर होता। ये स्थितियां हैं आदरणीय। अच्छा, मैं कुछ पंक्तियां निवेदन करता हूँ साहब। एक दिन मेरे पिताजी बोले मुझसे नालायक, बड़ा होके क्या तू बन जाएगा। अच्छा। एक दिन मेरे पिताजी बोले मुझसे नालायक, बड़ा होके क्या तू बन जाएगा, मंत्री बन जाएगा विधायक बन जाएगा, लगता है मुझे मेरा नाम तू डुबाएगा। मैंने कहा पिताजी मंत्री विधायक ना बनूं, किसी कंपनी का मैं टॉप बन जाऊंगा, और झटपट आप मेरी शादी कर दीजिए, 8-10 बच्चों का मैं बाप बन जाऊंगा। वाह बहुत अच्छे। अच्छा आदरणीय, मेरे एक मित्र का नाम है संतोष। अच्छा। मैंने उसकी मम्मी से पूछ लिया, मैंने कहा माताजी आपको संतोष कब हुआ? बोले जब मेरे सास ससुर का देहांत हुआ। बहुत बढ़िया। आइए मैं एक गीत से जोड़ना चाहता हूँ आपको, सुनिएगा। हे मेरी एक सगी पत्नी जी भारती उनका नाम, सगी पत्नी, मैं करता हूँ काम दिन भर वो करती आराम। हे मेरी एक सगी पत्नी जी भारती उनका नाम, मैं करता हूँ काम दिन भर वो करती आराम, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े भी धोता हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े भी धोता हूँ, बच्चों की लाइन लगी है पकड़ के सर रोता हूँ, पता नहीं अब आगे क्या होगा अंजाम, मैं करता हूँ काम दिन भर वो करती आराम। दिखने में यूं खतरनाक है जू चंबल का डाकू, दिखने में यूं खतरनाक है जू चंबल का डाकू, प्यार की भाषा नहीं समझे एक नंबर की लड़ाकू, मैं समझू राधा उसको वो मुझे न समझे श्याम, मैं करता हूँ काम दिन भर वो करती आराम, इस बीवी से मुझे बचाओ दशरथ नंदन राम, मैं करता हूँ काम दिन भर वो करती आराम, हे मेरी एक सगी पत्नी जी भारती उनका नाम, मैं करता हूँ काम दिन भर वो करती आराम। क्या बात है भरत, बहुत बहुत बढ़िया। मेरी एक सगी पत्नी, पहली बार सुना मैंने ये शब्द। कजिन वाइफ भी होती है, मुझे पता नहीं था। सगी पत्नी, ऐसे हमारे एक मित्र बड़ी अच्छी बात कहते थे। कई लोग होते हैं अंग्रेजी बोलने का शौक होता है, तो अपनी पत्नी के साथ खड़े हुए थे, कोई आया मेरी ओन वाइफ, वो तो मेरी लोन पे ली हुई है। वाइफ तो ओन ही होती है। और एक क्या दिक्कत है, अगर वो आराम करती है तो उसे करने दो, औरत को क्या आराम का हक नहीं है? हमें उस पर क्यों व्यंग करना चाहिए? औरत को जरूर आराम का हक है, जितना बोझ वो उठाती है और कोई नहीं उठाता। हमारी माएं हमारे स्कूल जाने से पहले उठ के आती थी कि हमें उठाए और हमें तैयार करें, उसके बाद टिफिन लगाती थी, टिफिन लगाने के बाद भेजती थी, वापस आते थे जब उनका खाना तैयार होता था। उसके अलावा दिन भर 25 काम करती थी। उस जमाने में घर के पापड़ भी माएं बनाती थी,
अचार भी माएँ बनाती थी, कपड़े भी माएँ धोती थी, कपड़े भी माएँ सुखाती थी, सारे काम घर की औरतें ही करती थी। उन्हें पूरा हक है कि वो आराम करें और मिलके हमारे साथ काम करें, कंधे से कंधा मिला के काम करें। ये आधी आबादी जो है वो हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। हमें औरतों का सम्मान करना चाहिए और निश्चित तौर पर करना चाहिए, लेकिन हास्य व्यंग तो ऐसे ही होता है, कोई कुछ क्या करे। भरत पंड्या, हास्य के विषय तो ऐसे ही निकलते हैं, करती औरत आराम तो क्या करती है। लेकिन कुछ लोग बेचारे जीवन में घोर सिंगल होते हैं, इतने सिंगल होते हैं उनको ये परवाह ही नहीं है, इतने सिंगल होते हैं कि एक रजाई में खुद को ही लाते मारते और कहते लात मत मारो ना। लेकिन जो हमारे प्रशांत सिंह है वो सिंगल नहीं है, वो देह से भी डबल है और कार से भी डबल है, कंप्यूटर और कविता दोनों में उनका दखल है। तो प्रशांत सिंह चले आओ जोरदार तालियों के साथ। प्रशांत सिंह आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं और आपके जोश को मैं सलाम करता हूं। आप जितना जोश मेरे में नहीं है क्योंकि शादीशुदा हूं। हाथ बांधे साथ चलना चाहिए, हाथ बांधे साथ चलना चाहिए, पूछ कर घर से निकलना चाहिए, और पत्नी अगर खूंखार हो तो आदमी को कम उछलना चाहिए। ये तो अमित को कह रहे हो जी। अब पेशे से मैं शिक्षक हूं, अपने छात्र के पास गया, मैंने एक सवाल पूछा। मैंने पूछा एक छात्र से शून्य की किसने खोज की, मैंने पूछा एक छात्र से शून्य की किसने खोज की, आर्यभट्ट बोला टपाक से, फिर पूछ उठा ये सोच उसे किसने दी। उसके इस प्रश्न पर मैं तो बिल्कुल मौन था, उसके इस प्रश्न पर मैं तो बिल्कुल मौन था, सवाल ये कौन था, वो कौन था, वो कौन था। फिर उसका जवाब आया, सर खोजा होगा काम आने वाले रिश्तों को बुरे दौर में, और शून की खोज की होगी किसी और ने, आपकी गणित की जानकारी थोड़ी न्यून है, आज के इस दौर में आप भी भाव शून्य है। वाह बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। एक लड़के ने दूसरे को कहा शून्य की खोज किसने की, बोले आर्यभट्ट ने, बोले बिल्कुल गलत, सवाल ही नहीं। एक बार किसी ने कहा मेरी कितनी गर्लफ्रेंड है, तब शून्य की खोज हुई। एक भी नहीं है। नई पीढ़ी से मैं हमेशा प्रेरित रहता हूं। कौन सी पीढ़ी, ध्यान दीजिएगा, वो नुक्कड़ का नंदू वो दीनू दिहाड़ी, वो नुक्कड़ का नंदू वो दीनू दिहाड़ी, वो गली का गोपी वो पप्पू पनवाड़ी, वो बाजू का बनिया वो लल्लू लोहार, वो गधा वो धोबी वो कल्लू कुम्हार, वो चाय वाला चंदू वो झब्बन का झाड़ू, वो मल्लू की मामी वो सुरेंद्र का साड़ू, वो आदिल के अब्बा वो जुम्मन की मम्मी, वो नौकी पतोहिया जिसका नाम है पम्मी। सबकी शिक्षा कहानी के देखो, शिक्षा भी नई की और पुरानी को देखो, सबके सब बच्चों को हाके पड़े हैं, कोचिंग की दिशा में बस झांके पड़े हैं। और बातें कैसी होती हैं, वो गुप्ता का पोता, वो शर्मा का नाती, वो पड़वा का बेटवा, जौन रहल उत्पाती, कपारे के हर कोना के नोचे, तकिया चादर बिछौना के नोचे। बचपन में सुनी थी लोमड़ी की कहानी, बचपन में सुनी होगी लोमड़ी की कहानी, उछले पड़ी थी अंगूर की दीवानी, स्वभाव के विपरीत वो फल खाने चली थी, भूल कर लक्ष्य दूसरों को रिझाने चली थी। पर असल में लोमड़ी अंगूर खाती कहाँ है, और खाकर उससे खट्टा बताती कहाँ है, हाँ। और असफल हुए तो मंजिल खट्टी लगी है, यहाँ तो कोचिंगों की सट्टी लगी है। वाह बहुत अच्छे। चलो इस कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाएं, लोमड़ी की अगली पीढ़ी को अंगूर खिलाएं, पर इस बार वो असल में है खट्टे, पर कैसे कहें, क्या कहेंगे पड़ोसी, क्या कहेंगे ये बच्चे। लोमड़ी को अंगूर की जरूरत नहीं है, न तैरो उस नदी में जो उल्टी बही है, और स्वच्छंद पंछियों को पिजड़े में जाने से रोको, और भटक जाएं किसी बहाने से रोको, वो खुद बखुद सफलता को पाने लगेंगे, वो खुद बखुद सफलता के गीत गाने लगेंगे। वाह 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 वाह, तुमने बहुत जरूरी और सार्थक कविता सुनाई। ये जो आजकल के माँ बाप हैं जिन्होंने बच्चों को ट्रॉफी बना रखा है, और मैं इतनी सारे खबरें पढ़ता हूँ, जबकि आईआईटी कोचिंग में इस बच्चे ने आत्महत्या कर ली, ये कूद गया, ये मर गया, ये सिर्फ इसी वजह से कि परफॉर्मेंस प्रेशर इतना है कि कोचिंग करो, यही बनो। जिंदगी में सफलता वही नहीं होती कि आप इंजीनियर बनो, आप डॉक्टर बनो, या आप कुछ बड़े पद पे हो। तमाम वो लोग, मैं जिंदगी में जो डिग्रीज मैंने ली वो मेरे काम कुछ नहीं आई,
और जो मैं काम कर रहा हूं वो मैंने पढ़ा नहीं। तो माँ बाप अगर बच्चों को अगर प्रेशराइज करेंगे तो वो फूल खिलेंगे नहीं, वो फूल मुरझा जाएंगे। इसलिए उन्हें छोड़ दो, उन्हें कहो कि जो जी में आए करो, लेकिन जो आप बनना चाहते हो वो बनो। मेरी बिटिया जब पढ़ाई जब कर रही थी तो उसका बड़ा परेशान होकर मेरे पास रात पर एक बार मेरा पेपर बहुत खराब हो गया, बहुत खराब हो गया। शी वाज सो अपसेट। मैंने कहा क्या होगा, क्या हो, फेल हो जाएगी, हो जा, बिल्कुल हो जा, चार बार हो जा। जरूरी यह था कि तूने पढ़ा, जरूरी यह नहीं है कि परिणाम क्या रहा। परिणाम के पीछे मत भागिए, पढ़िए, जरूर बच्चों को खुला छोड़ दीजिए, क्योंकि ये पीढ़ी खिलना चाहती है, ये बहुत आवश्यक है। वरना फिर बच्चों पे आप ऐसे अगर जोर जबरदस्ती करेंगे तो हमारे जैसी औलादें होंगी। जोर जबरदस्ती ऐसी थी, हम एक बार बैठे हुए तो ऐसे सोफे पे मैं ऐसे लेट गए, अब मेरे पिताजी उधर से निकले, उधर से कहा ये सोफा बैठने के लिए होता है, लेटने के लिए नहीं होता। मैंने कहा चप्पल भी पहनने के लिए होती है, मारने के लिए नहीं होती है। हिंदी कविता शायरी कौन करता है आज के जमाने में, लेकिन हम करते हैं, हम करते हैं और प्रतिभाओं को लेके आते हैं। ऐसी एक प्रतिभा को हम इंदौर से लेके आए जो मूलतः हरदा से लेके रहने वाली है, नाम है उनका वाणी जोशी, जोरदार तालियों के साथ। मैंने जो ना कहा तूने वो भी सुना, मैंने जो ना कहा तूने वो भी सुना, लाखों की भीड़ में सिर्फ मुझको चुना। क्या बात है, प्यार होता है क्या झूठे संसार में, प्यार होता है क्या झूठे संसार में, मेरे दिल ने तेरी धड़कनों से सुना। वाह वाह, मेरे दिल ने तेरी, मेरे दिल ने तेरी धड़कनों से सुना। और एक गीत के माध्यम से आपको जोड़ती हूं। प्यार जो है ये दिल से दिल की क्यों सुनता है, लिवर टू लिवर, किडनी टू किडनी, फेफड़ा टू फेफड़ा क्यों नहीं सुनता है? तो टेक्निकल पॉइंट है ना ये। हाँ, गीत से जोड़ती हूँ। मोहब्बत नाम है मेरा, तुम्हें पैगाम भेजा है। मोहब्बत नाम है मेरा, तुम्हें पैगाम भेजा है, लिखा है खत तुम्हें और दर्द दिल का हाल भेजा है। मोहब्बत नाम है मेरा, तुम्हें पैगाम भेजा है, लिखा है खत तुम्हें और दर्द दिल का हाल भेजा है। छुपा लो लाख तुम जितना, मगर ये जानती हूँ मैं। छुपा लो तुम जितना, मगर ये जानती हूँ मैं, तुम्हारी आंखों में अपने लिए ही प्यार देखा है। मोहब्बत नाम है मेरा, तुम्हें पैगाम भेजा है, दिया जो दर्द तुमको फिर भी तुमको मुआफ करती हूँ। अरे वाह, दिया जो दर्द तुमको फिर भी तुमको मुआफ करती हूँ, तुम्हारे नाम की माला कहीं मैं जाप करती हूँ। दिया जो दर्द मुझको फिर भी तुमको मुआफ करती हूँ, तुम्हारे नाम की माला कहीं मैं जाप करती हूँ। भला कैसे मुझे रोकोगे खुद से प्यार करने से, भला कैसे मुझे रोकोगे खुद से प्यार करने से, मैं तुमसे प्यार करती थी तुम्ही से प्यार करती हूँ। मोहब्बत नाम है मेरा, तुम्हें पैगाम भेजा है। क्या बात है, वाह बहुत अच्छा वाणी। वाह,
क्या बात है वाणी, तुमने जो चार चार पंक्तियां पढ़ी उसमें एक पंक्ति बड़ी कमाल की थी। जिंदगी में एक पंक्ति भी कमाल की हो ना तो सीधे हृदय में उतर जाती है। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। भला कैसे रोकोगे तुम मुझे खुद से प्यार करने से, ये अद्भुत है, ये कमाल है। शायद तुम्हें भी पता नहीं होगा कि तुमने इस एक पंक्ति में क्या कह दिया है। ये इतनी कमाल की पंक्ति है कि पूछिए मत। ठीक वैसे ही जैसे एक गीत बड़ा सामान्य लगता है लेकिन कभी सोच के देखिए कितना खूबसूरत लिखा है इरशाद कामिल साहब ने कि ये इश्क खाए बैठे बिठाए जन्नत दिखाए। ये जो इश्क है ना बैठे बिठाए जन्नत दिखाता है। यूं तो हमने जन्नत देखी नहीं, एक बार इश्क कर लीजिए सब कुछ खूबसूरत लगने लगेगा। और आप हमसे इश्क करते हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हमसे यूं ही इश्क करते रहिए और हम कहते रहेंगे वाह भाई वाह।